वेलकम फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं सीजीपीएससी एसईएफ के स्टडी मटेरियल के बारे में बताऊंगा। तो जानते हैं, तो दो पेपर होते हैं। तो पहला है पेपर वन, इसमें तीन सब्जेक्ट होते हैं, छत्तीसगढ़ के जनरल स्टडीज, फिर लैंग्वेज, फिर मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग और कम्युनिकेशनल स्किल। तो जो पहला है जनरल स्टडीज ऑफ छत्तीसगढ़, उसके लिए हरिराम पटेल की बुक बेस्ट है, आप वो ले लें। यह हिंदी इंग्लिश दोनों में है। लैंग्वेज के लिए आप कोई सी भी कोचिंग की नोट्स ले लें, वो मोर देन सफिशियंट है। उसके बाद जो तीसरी है, उसके लिए आप कोचिंग की नोट्स ले लें कोई से भी, या फिर यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं आप। उसके बाद है पेपर टू, इसमें है केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री। तो केमिस्ट्री के लिए आप 11th 12th की एनसीईआरटी ले सकते हैं। 10th का एनसीईआरटी में से थोड़ा सा पोर्शन है, तो वो लेने की जरूरत नहीं है, बाकी आप वो पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अगर अच्छा होगा आप किसी पुराने स्टूडेंट या फिर अभी जो भी करेंट स्टूडेंट है आपके जानकारी में, उससे आप 11th 12th का एनसीईआरटी के रेफरेंस बुक ले लें तो ज़्यादा अच्छा होगा केमिस्ट्री के लिए, क्योंकि वहाँ से आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में और क्वेश्चन भी दिए होते हैं उसमें। फिजिक्स के लिए भी सेम है, आप 12th की रेफरेंस बुक मांग लें किसी से, या फिर 12th की एनसीईआरटी ले लें और उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन दिए होते हैं रेफरेंस बुक में, तो वो आप सॉल्व करें। उसके बाद है बायोलॉजी, तो बायोलॉजी के लिए आप रेफरेंस बुक प्रीफर मत करें, एनसीईआरटी के जो बुक होती है 11th 12th की वो सफिशियंट है, आप वहाँ से पढ़ें। टेक्नोलॉजी के लिए रवि पी अग्रहारी की जो बुक आती है टेक्नोलॉजी की, वो आप ले लें, ये बहुत अच्छी बुक है, ये आपको सीजीपीएससी मेंस में भी काम आ जाएगी, तो आप ये भी ले सकते हैं। उसके बाद है इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट के लिए जो बायोलॉजी की बुक लिए थे आप एनसीईआरटी, उसी से ही हो जाएगा, जो लास्ट के चार चैप्टर हैं उसी से ही आपका बायोलॉजी कवर हो जाएगा, और जो नहीं मिलेगा सिलेबस का वो आप इंटरनेट से देख लें। उसके बाद है एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री, तो एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री का जो सिलेबस है वो यूपीएससी के ऑप्शनल से मिलता है, तो उसके लिए एग्रीकल्चर के अरुण कत्यायन की बुक बहुत अच्छी है और फॉरेस्ट्री के लिए पी मणिकंदन की बुक। तो मैं इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके परचेस कर सकते हैं। उसके बाद है कि इन सब का अल्टरनेटिव क्या हो सकते हैं, या आपको और किस किस बुक की जरूरत है। तो आप कोचिंग नोट्स ले सकते हैं, बहुत सारे कोचिंग की नोट्स है जो इन सब के लिए अल्टरनेटिव है, तो आप वो ले सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले ऊपर वाले ले सकते हैं, क्योंकि जनरली जो कोचिंग के नोट्स आते हैं वो हिंदी में आते हैं, और यूपीएससी के शॉर्ट नोट्स जो बनाए हैं कई स्टूडेंट फॉरेस्ट्री के लिए, आप वो डाउनलोड कर सकते हैं, आप टेलीग्राम पे वो सब ढूंढ सकते हैं। उसके बाद है एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर के लिए जो अरिहंत की पुष्पेंद्र कुमार कन्हारा की बुक आती है वो क्वेश्चन के लिए बहुत अच्छी है। इसमें जो स्टडी है वो उतने डिटेल में नहीं दी हुई है, लेकिन जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा अच्छे हैं बाकी बुक के हिसाब से, तो आप ये भी क्वेश्चन के लिए ले सकते हैं। बाकी आप किसी भी कोचिंग की क्वेश्चन बैंक ले लें, या कोई भी जो पब्लिकेशन है वो क्वेश्चन बैंक निकाल रहे हैं, तो आप क्वेश्चन बैंक ले लें, वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के बीच में जो तैयारी कर रहे हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।